शंकर भगवान की जय। हम भोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम 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 करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लंबी एक यात्रा निकल रही है जिसका नाम है ऐतिहासिक कावड़ संकल्प पद यात्रा। इस यात्रा की अगर हम बात करें तो ये यात्रा 1751 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें लड़कियां भी अपने कंधों पर कावड़ लेकर पैदल यात्रा कर रही हैं। वहीं इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है हरिद्वार से और अब जब ये यात्रा आज पानीपत पहुंची तो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। महंत अरुणदास जी महाराज के अलावा बाकी साधु संतों और कई पार्टी के नेताओं ने भी यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस यात्रा में पैदल चल रही युवती ने बताया कि बड़े ही गौरव की बात है कि वो इस पद यात्रा का हिस्सा है। हमारी यह यात्रा 15 जून से स्टार्ट हुई थी। 15 जुलाई को सोमनाथ मंदिर पर जाकर वहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा। यह है 15 जून को 7:15 बजे वहाँ से हमने जल उठाया था और रेगुलर सभी पैदल चल रहे हैं और यह 1751 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें 2 लड़कियाँ भी शामिल हैं, एक मैं और एक मेरी छोटी बहन और सभी काम और सभी भी हैं। 25 आदमी हम टोटल, सहयोग सभी का बराबर से चल रहा है। नहीं, मैं पहले 2 बार कावड़ लेके आ चुकी हूँ। नहीं, ये पहली बार कर रही हूँ। नहीं, हमें बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई अभी तक भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा गर्म मौसम ना होए, बारिश होती रहे, ठंडा मौसम रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा अपने ताऊ जी और गुरु जी को जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, हमें यहाँ हरिद्वार से लेकर गुजरात तक जाने का मौका दिया। हुई पैदल यात्रा, हम ये यात्रा सफल करेंगे एकदम अच्छे से। वहीं ये यात्रा काफी लंबी होने वाली है। बता दें कि श्री महादेव जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा हरिद्वार से श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग वेरावल गुजरात पहुंचेगी। 7:15 बजे महाराज जी के सानिध्य में हर की पौड़ी से जल उठाकर 17 तारीख को 7:45 बजे हम चले थे महाराज जी के सानिध्य में ही और आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 3:15 बजे गांव में प्रोग्राम भी है। ये कावड़ यात्रा 1751 किलोमीटर की है। इसका मेन उद्देश्य है हिंदुत्व में जागृति लाना, जैसे धर्म परिवर्तन जो अनेक कुरीतियाँ हुई है वो दूर हों। साथ में हमारी टीम का एक संदेश हो रहा है कि भाई जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। नहीं, फर्स्ट टाइम की है और हम दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं कि जब तक खून की एक भी बूंद शरीर में रहेगी अपने गांव का, अपने पानीपत ऐतिहासिक नगरी का, वह अपने प्रदेश का नाम नहीं झुकने देंगे। जो आप पब्लिक के अंदर हमारी ये धार्मिक पैदल कावड़ यात्रा जो हरिद्वार से श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पहुँचेगी 15 तारीख को, कावड़ ये 1751 किलोमीटर की है और हम पूरे पानीपत वासियों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस कावड़ यात्रा का श्रेय मैं किसको देता हूँ, मैं देता हूँ पानीपत वासियों को और उन्हीं का आशीर्वाद है जो हम ये यात्रा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे लंबी पैदल कावड़ यात्रा है ये। ऐतिहासिक कावड़ संकल्प पद यात्रा में जितने भी भक्त पैदल चल रहे हैं सभी में एक अलग ही जोश है, सभी भोले बाबा की भक्ति में झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान शिव के पावन श्रावण मास की ओर, क्योंकि अभी तो आषाढ़ चल रहा है और आगे श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास के अंदर भगवान पे जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। इसी उद्देश्य के साथ हमारे शिवा गांव के कुछ नौजवान युवक और युवतियां, जिसमें प्रमुख रूप से सुरेश कुमार जी खाद्यान्न, एक कावड़ का एक इन्होंने संकल्प लिया है कि गंगा जी हर की द्वार हरिद्वार हर की पैड़ी से लेकर भगवान सोमनाथ पे जल चढ़ाएंगे गुजरात में, जिसकी टोटल दूरी 1761 किलोमीटर है। ये बच्चे बिल्कुल पैदल चलेंगे
और अभी आप देख रहे हैं पीछे बहुत भव्य शोभा यात्रा के रूप में ये यहाँ से जा रहे हैं और इनके साथ एक 40 बच्चों का समूह है जो निरंतर इस सेवा में लगा रहेगा और 15 जुलाई को जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाएगा जो कि माँ गंगा से लिया गया है। जहाँ जहाँ इनको निर्जन स्थान मिलेंगे वहाँ पर ये पेड़ भी लगाते हुए चल रहे हैं और पूरा एक ट्रक भरा हुआ पौधों के साथ में है कि जो रास्ते भर में की हरियाली रहे और हमारे यहाँ कभी भी ऑक्सीजन की कमी ना हो और कोरोना जैसी महामारी पुनः इस देश में व्याप्त ना हो, इस उद्देश्य के साथ भी ये कांवड़ का ये जो इन्होंने यात्रा आरंभ किया है इनका मुख्य उद्देश्य भी है। बोल शंकर भगवान की। बहुत बहुत शुभकामनाएं कादयान जी को जो अपनी पूरी टीम के साथ हरिद्वार से कांवड़ उठा करके भगवान सोमनाथ तक पहुँच करके जलाभिषेक करेंगे। इससे राष्ट्र उन्नत होगा, लोगों में एक जागृति आएगी, हिंदू धर्म की जागृति होगी और भगवान शिव अवघरदानी हैं, सदैव सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये पूरे राष्ट्र और देश के लिए कामना करेंगे जिससे राष्ट्र में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, राष्ट्र खुशहाल हो। तो सभी कांवड़वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। वहीं अगर आप इस धार्मिक पदयात्रा के लिए ट्रस्ट में इच्छा अनुसार अपना कोई सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बम 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 ब